वो मछली जो बच्चे दे क्या इसे खाना जायज़ है। जो मछली अंडे नहीं देती ये सिर्फ बच्चे देती है, क्या इसे खाना जायज़ है। किसी ने बताया कि बाज़ उलमा इसे नाजायज़ करार देते हैं। मोहम्मद सुहेर सहीर सिद्दीकी हैदराबाद से। जनाब जो मछली बच्चे देती है, जब वो मछली है तो मछली का खाना हलाल है। हाँ होनी मछली चाहिए, कोई अजीब सी चीज़ ना हो। तो जब तक वो मछली है तो अंडे दे या बच्चे दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल मछली बच्चे देती है, मैंने सुना है, वल्लाहु आलम, ऐसा ना कोई मेरे खिलाफ क्लिप बना दे कि वो देखो अंडे दे रही है। तो हमने सुना है इधर उधर से कि बच्चे देती है, लेकिन बहरहाल अंडे दे या बच्चे दे, जब तक वो मछली मछली है, चाहे वेल मछली हो, शार्क मछली हो, कोई भी मछली हो, जब तक वो मछली है तो उसका खाना जायज़ है। अब मछली किसे कहते हैं? समंदर की हर मखलूक को मछली नहीं कहते। मछली जो उर्फ में मुतबादिर हो, जिसकी तरफ फ़ौरन दिमाग जाए, आपसे कोई कह दे कि मेरे लिए एक किलो मछली लेकर आए, कोई केकड़ा उठा के ले आएगा तो आप कभी भी नहीं खाएंगे उसको, बोलेंगे यार मैंने मछली का बोला था तू क्या ले आया। तो उर्फ़ में जिसको मछली समझा जाता है, मेडिकल साइंस इसको मछली कहती है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिस जो मछली में कदर मुश्तरक होती हैं, तो वो देख लेनी चाहिए। कम अज़ कम देखने में डिज़ाइनिंग ही मछली जैसी हो ना, ये तो आखिरी दर्जा है उसका, तैरती हो, ऐसे करके जाती हो। बाज़ लोगों ने कहा गलफड़े और रीढ़ की हड्डी, ये भी ज़रूरी शर्त है, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल कम से कम दर्जा ये है कि उर्फ़ में उसको मछली समझा जाता हो। याद रखें, कहा जाता हो ये नहीं है, बहुत सी चीज़ों को मछली कहा जाता है समझा नहीं जाता, उसको समझा भी जाता हो कि ये मछली है। कोई केकड़े को मछली कहना शुरू कर दे इससे थोड़ी हो जाएगा। समझे का मतलब ये कि आप किसी से कहें कि भाई मछली लेकर आओ और वो जो चीज़ लेकर आए तो आप कहें कि ये तो मछली नहीं है। तो कम से कम दर्जा ये कि उर्फ में उसको मछली समझा जाता हो।